तो यहाँ पे दो पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है मॉरिशस में, अभी आप घर में भी रह सकते हो। तो यहाँ पे ना पार्ट टाइम जॉब करना आसान नहीं है, बहुत तरह का पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता है। देखो बंदा झाड़ू भी मार रहा है, अभी जो है ना काम ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा काम है। जो भारी था वो तो चला गया, और ये छोटा छोटा है इसको लेके जाएंगे। वो जो है ना बहुत भारी था, मतलब बहुत बड़ा था, ये जो है ना बिल्कुल छोटा है। आप देख सकते हो कितना मेहनत लगता है दो पैसे कमाने के लिए। क्या कर रहे हो यार, मुरे से साके यार, पैसा कमाना आसान नहीं है। हाँ स्वागत है आप सभी के नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ना, मैं नहीं कहीं घूमने जा रहा हूँ ना आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब पे। तो ऐसे तो मैं पार्ट टाइम जॉब में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन शायद दो तीन बार गया हूँ, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो आज भी जा रहा हूँ क्योंकि आज भी मुझे वीडियो बनाने का परमिशन है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो एक मदरसा है वहाँ पे काम पे जा रहा हूँ, आप लोग को दिखाऊंगा क्या क्या काम करता हूँ वो दिखाऊंगा। देखो यार मैं अंदर में हूँ। ये मदरसा जो है ना नया नया बना है अभी, यही मुश्ताक भाई है, आप लोगों ने दो दो वीडियो में देखा होगा, यही लेके आया है काम पे। अरे ये तो बहुत ज्यादा भारी है यार, ये कितना मोटा है, तो बिल्कुल नया है, कहाँ से आया है यार ये? ये कारपेट है, ये चढ़ेगा ऊपर, उसी हिसाब से कटिंग होगा पूरा। ये जो ना पूरा एक पीस है, इसको ऊपर में लेके जाना तीन फ्लोर में। सब जो है ना साइंटिस्ट दिमाग लगा रहा है, उसको ऊपर लेके जाना है तो जाना कैसे, उस ऊपर में लेके जाना है तो सब साइंटिस्ट दिमाग लगा रहा है कैसे लेके जाए। कोई बोलता है खींच के लेके जाओ, कोई बोलता है कांधे पे लेके जाओ, कोई बोलता है यहीं से चढ़ा लो। अब देखो क्या क्या करेगा यहाँ पे, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा कैसे लेके जाए। तो मैं आप लोग को हमेशा ही बोलने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोग मेरे से साथ हो, कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो आप छोटा मोटा काम ही करना, उतना भारी काम मत करना कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपका कोई फैमिली नहीं है, ना ही कुछ आपका देखभाल करने वाला है, तो आप छोटा मोटा ही काम करना। काफ़ी लोग पार्ट टाइम जॉब करते ही नहीं है, मैं तो खुद नहीं करता हूँ, लेकिन आप दोस्त लोग आ रहा था तो मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल रहा था इसलिए। तो यहाँ पे दो पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है मॉरिशस में, अभी आप घर में भी रह सकते हो। मैं ये दिमाग लगा रहा हूँ कि इसको पूरा जो है खोल देता हूँ, चलो बाहर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींच लेंगे। देखा मेरा काम आया ना, जैसे तैसे करके यहाँ तक तो लेके आया हूँ, बस उसको ऊपर में लेके जाना। उधर देख सकते हो कैसे लेके जा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा दिक्कत का काम है। जैसे तैसे करके इतना दूर लेके आया हूँ, सबको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आया है और दो फ्लोर ऊपर लेके जाना है, उसके बाद टेंशन खत्म हो जाएगा। बहुत भारी है, ये पसीना पसीना हो गया यार, आराम से ए हीरो रुक जाओ, तो थक गया हूँ। एक फ्लोर हो गया, दो फ्लोर हो गया, तीसरा फ्लोर आ गया। कुछ आया मैं? हाँ यार आ गया। क्या कर रहा गांडू ने क्या उठा? ए रुकना यार, आ जाओ। देखो भाई वहाँ पे तीन आदमी है, ऊपर चढ़ा दो, उठाओ उठाओ। देखो अंदर घुस रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है। आ गया हम लोग जीत गए, आ गया। देखो इसके बुरा हाल हो गया भाई, जान में जान आया। इसको उठाना है, जो मेहनत लगाना पूछो ही मत, और थोड़ा सा काम है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ना पार्ट टाइम जॉब करना आसान नहीं है, बहुत तरह का पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता है। देखो बंदा झाड़ू भी मार रहा है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, काम तो काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप भी कर सकते हो यहाँ पर आते हुए, तो आपको इस तरह का काम बहुत सारा मिल जाएगा। मुरसन लोग ये सब काम करता है, बांग्लादेश का होता है, इंडियन का होता है, नेपाली लोग होता है, कोई सब पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मैं भी झाड़ू मार लेता हूँ, झाड़ू मार देता हूँ। मैं ना काम पे वहीं पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे वीडियो बनाने के लिए देता है, और आज मैं इसीलिए आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ और दिखा सकूँ कि 2 रुपये कमाना यहाँ पे कितना मुश्किल है। सब मेरा घर वाला हंस रहा है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ वीडियो में, मेहनत कर रहा हूँ, कोई हंसने वाली बात नहीं है। एक भाई ये बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे मजा करते हैं, एक समंदर का वीडियो देखा था शायद, तो बोला तुम मजे ले रहे हो, हम लोग को मना कर रहे हो आने के लिए। तो देखो कितना मजा ले रहे हो, आप भी आप मजा लेने के लिए। तुम लोग खुश हो
खींचो खींचो इसको, अब खींचो। हाँ बस देखा आप लोगों ने, रख दिया मैं, हम लोगों ने उसको मिलजुल के रखा, पर बहुत भारी था ना इसलिए इतना आदमी आया था। रमजान आने वाला है इसीलिए उसको लेके आया था। और उसका जो प्राइस था ना मॉरीशस मनी 50,000 था, तो अभी जो करेंसी चल रहा है तो मतलब आप समझ सकते हो 90-95,000 इंडिया का हो जाता है। अभी जो है ना काम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा काम है, जो भारी था वो तो चला गया और ये छोटा छोटा है इसको लेके जाएंगे। वो जो है ना बहुत भारी था, मतलब बहुत बड़ा था, ये जो है ना बिल्कुल छोटा है। आप देख सकते हो कितना मेहनत लगता है दो पैसे कमाने के लिए। और मैं तो उतना पार्ट टाइम जॉब करने नहीं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। चलो देख के यहाँ गिर मत जाना। अभी जो है ना 6 बज रहा है, आप देख सकते हो पूरा जो है ना मतलब रोशनी दिख रहा है। और यहाँ पे जो है ना 7:30 बजे सूरज डूबता है जब गर्मी होता है। तो यहाँ पे अभी गर्मी चल रहा है, इंडिया में ठंड ख़त्म हो गया और यहाँ पे अभी ठंड आएगा। ऐसा कुछ दिखता है ऊपर से। आप ना मॉरीशस आते हो तो हर किसी का घर में जो है ना आपको थोड़ा पेड़ पौधा जो होता है ना देखने के लिए मिलेगा। और इसी पेड़ पौधा के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, कभी भी बारिश चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना बारिश होता है काफ़ी, कभी भी बारिश चालू हो जाता है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हर घर हर किसी के घर में आपको पेड़ पौधा देखने के लिए मिलेगा। क्या कर रहे हो यार मुरे से साके यार, पैसा कमाना आसान नहीं है। हाँ कैसा लगा भाई, इतना मेहनत का पैसा मिलता है हम लोग को, और उधर सब दोस्त लोग सोचता है कि बहुत पैसा छाप रहा है। यहाँ पे मॉरीशस का घर में आपको पेड़ पौधा भी देखने के लिए मिलेगा 1 से 2, और कुत्ता भी 1-2 देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो ना घर में कुत्ता भी रखता है सब कोई, और पेड़ पौधा भी बहुत ज़्यादा होता है। आम का पेड़ देखने के लिए मिल जाएगा, पपीता का पेड़ देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो लोग खाएगा नहीं, गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, वो लोग खाएगा नहीं, है ना भाई? हाँ नहीं खाता है ना? नहीं। हाँ ऐसे 3 घंटा काम किए और जब पैसा मांगने के लिए गया था तो मॉरीशस मैंने 3,000 मांग रहा था। तो हम लोग 6 आदमी थे, तो हम लोग बोल रहे थे कि 500-500 रुपये हो जाएगा। तो ये बहुत भारी काम था, अगर आप बाहर काम पे जाते हैं तो 150-150 रुपये घंटा देता है अभी, और कोई खाने भी देता है कोई खाना भी नहीं देता है। और सिलाई के काम पे जाते हो थोड़ा 75 रुपीज़ देता है, 100 रुपीज़ देता है मॉरीशस का। तो ऐसा काम को काफ़ी मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत भारी काम था और हम लोग जो पैसा मांग रहे थे डिमांड करे तो दिया नहीं। 3,000 बोल रहा था हम लोग मॉरीशस मनी कि 500-500 हो जाएगा, लेकिन वो आके 2400 रुपये दे रहा है और बोलता कुछ खजूर दे देंगे और रमजान है हाँ जाके खा लेना। और बोल रहा था कि ये मदरसा है ना तो ऊपर चढ़ा दिए तो सबब मिलेगा, हाँ यही सब बोल रहा था। तो सब मान गए और हम लोग अभी पैसा लेंगे, उसके बाद हम लोग को छोड़ने के लिए जाएंगे। खुश होगी नहीं यार? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो भी है, मेहनत की है तो क्या हुआ, लेकिन मदरसा भी है। हम लोग 5 आदमी मुसलमान थे और एक चंदू भाई है जो हिंदू कल्चर को फॉलो करता है, लेकिन सब हम लोग एक ही साथ रहते हैं और हमारे कंपनी से मिलजुल के काम करते हैं। हम लोग का काम ख़त्म हो गया है और हम लोग को दिया था खजूर खाने के लिए, काफ़ी टेस्टी था। तभी हम लोग जा रहे हैं अपना हॉस्टल, वहाँ पर छोड़ के आएगा। तो कैसे लगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आप लोग भी आते हो तो आपको भी इस तरह का पार्ट जॉब जॉब मिल जाएगा, कर सकते हो आप लोग। और हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, हमेशा नहीं जाते हैं। तो मुझे यही सब दिखाना था, यही सब बताना था। तो ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में।